आज हम ना आसमान में हैं न जमीन पर हैं हम दरअसल पानी पर हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये 50 एकड़ में फैला हुआ एक्वा पार्क है इसमें मछलियाँ पाली जा रही हैं इसमें बीच में आइलैंड भी है इसमें बोट हैं हम भी एक इसी तरह के बेस पर हैं और ये जगह ना तो नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य है और ना ही ये कोई थाईलैंड है ये दिल्ली से मात्र 20 मिनट के रास्ते पर गाजाबाद ज़िले का मसूरी गांव है और यहां पर रजनीश किस तरह से इस सारे काम को अंजाम दे रहे हैं हम उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनको ये आइडिया कैसे आया मैं रजनीश के बारे में आपको बता दूं रजनीश ने बीटेक किया है तीन देशों में नौकरी की है और नौकरी को छोड़ने के बाद में उन्होंने तालाब यहां पर खुदवाया और इसे 10 महीने लगे करीब करीब खुदवाने में और तैयार करने में ये एक लेक बनाई गई झील बनाई गई और इसमें फिलहाल मछली पालन चल रहा है एक आइलैंड है वहाँ पर एक रेस्ट्राँ तैयार हो रहा है उनके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं हैं बहुत सारी कल्पनाएं हैं बहुत इंटरेस्टिंग है आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि ज़रूर आपको भी इनोवेटिव फार्मिंग या स्मार्ट खेती करनी चाहिए सबसे पहले हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक्वा पार्क है इस एक्वा पार्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके बारे में आप सबसे पहले हमें बताइए अपने से भी पहले सर ये 50 एकड़ का एक यूपी गवर्नमेंट की लैंड है जो मैंने डेवलप की एक साल में और यहाँ पे फिश फार्मिंग मेरा मेन कॉन्सेप्ट है और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक्वा पार्क नॉर्थ इंडिया का पहला एक्वा पार्क बना रहा हूँ ये ज़्यादातर आपने केरला में देखे होंगे या फिर आपको इंडिया से बाहर देखे जाएंगे और हमारे एक्वा पार्क का सिंपल कॉन्सेप्ट रहेगा जो मैंने एक आइलैंड बनाया है उस पर हम एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं लोग बाग आए यहाँ पे बोटिंग करें फिश एंगलिंग करें ये जिस स्टेशन पे हम घूम रहे हैं फिश एंगलिंग स्टेशन ही है तो लोग बाग अपने ऐसी मुड्ढे पे बैठे हैं अपनी मछली पकड़े अपने खुद बनाए अपने फ्लेवर के हिसाब से और मेन कॉन्सेप्ट है कि जो फिश वो पकड़ रहे हैं वो अपने अपने आप चूज करें कि वो एक के की पकड़ रहे हैं या दो के की पकड़ रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट रहेगा वो फ्लेवर भी जज कर पाएगा जो लोग बात कहते हैं कि अगर दो किलो की मछली है उसका टेस्ट डिफरेंट है तीन किलो की मछली है उसका टेस्ट डिफरेंट है तो एक्वा पार्क पे हम कुछ मेनली पांच एक्टिविटीज करेंगे एक हो गया हमारा फिश एंगलिंग दूसरा बोटिंग करेंगे तीसरा वहां पे मैं किड जोन बना रहा हूँ क्योंकि अगर कपल्स आएंगे या कोई भी इंडिविजुअल्स आएंगे उनके बच्चे क्या करेंगे

और जो बाकी मिट्टी थी आप पीछे देख रहे हैं तो वहां पर एक आइलैंड भी तैयार हो गया और इस आइलैंड को पहले शायद आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या करना है या पहले से ये था कि करना क्या है हाँ सर ये मेरा प्री प्लान था okay. कि जब मैं इतनी बड़ी वाटर बॉडी डेवलप कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ एक यूनिक कॉन्सेप्ट लाइव करू मैं जो हमने मट्टी डिगिंग करी उससे हमने आइलैंड बनाया पैलली एक मैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी बना रहा हूँ इसी में जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट रहेगा उसके साथ में कुछ केज भी लगाएंगे तो केज में हम कुछ डिफरेंट स्पीसीज डालेंगे कि जो भी बंदा यहाँ पे आए ट्रैवल करे कम से कम वो सेवन टू एट आवर्स बिजी रहे केवल उसके माइंड में फिश रहे एक्वा कल्चर को वो दिमाग में रखे क्योंकि इस एक्वा कल्चर में कि जो लाइवलीहुड है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकता है हमारी गवर्नमेंट का भी फोकस है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो प्रोटीन जनरेट हो तो उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए तो ये एक्वा पार्क का पहले ही फर्स्ट डे मेरे दिमाग में था कि मेन कोर बिजनेस तो फिश फार्मिंग रहेगा लेकिन एक्वा कल्चर में एक्वा पार्क का भी अगर हम तड़का लगा दें तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आएगा आपने पढ़ाई तो बी की की और आप मछली पालने लगे मछली पालने का आपको क्या लाभ है एनवायरमेंट को क्या लाभ है सोसाइटी को, को क्या उसका लाभ है क्या आप हमें कुछ थोड़ा सजेस्ट कर पाएंगे सर मैंने बीटेक की दो हजार चार पास आउट मैं तो तकरीबन चौदह साल मैंने जॉब की तो एग्रीकल्चर में मेरा इंटरेस्ट था तो एग्रीकल्चर मैंने एक््रोस द कंट्री ट्रैवल करके एक्वाकल्चर इसलिए चुना है, मैं आपको नटशल में बताऊं कि इसमें आप अपनी क्रॉप होल्ड कर सकते हैं जो बाकी किसी भी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर एलाइट भी नहीं कर सकते ये सबसे बेस्ट था दूसरा मछली पालन करने से आप प्रोटीन तो डेवलप कर ही रहे हैं फिर सबसे रिच सोर्स है प्रोटीन का सुपर फूड भी बोलते हैं लोग बाग आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं तीसरा आप नेचर के क्लोज जा रहे हैं अभी हमारे जो पोखर कह सकते हैं वो डे बाय डे है ना डिक्रीज़ हो रहे हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे लोग बागों ने एनक्रोचमेंट एं, कर कर करके सब बंद कर दिए हैं जिसका कारण क्या हुआ जो वाटर टेबल पहले दस फीट पे था अब दो सौ फिट पर हो गया तो अगला वर्ल्ड वॉर वाटर का होने वाला है तो अगर कोई लोग बाग मछली पालते हैं या एक्वाकल्चर में जाते हैं फिश फार्मिंग में जाते हैं तो नेचर के लिए वाटर टेबल को इम्प्रूव कर रहे हैं वाटर टेबल इम्प्रूव होगा आपका तो जब बरसात होगी

आज वो तालाब दिखते नहीं हैं कहीं जमी दोज हो गए हैं और हम एक तरह से जो रजनीश जैसे नौजवान हैं वो बात को आगे बढ़ाते हैं और क्या आपको लगता है कि अभी भी जो गांव के अंदर वाटर बॉडीज़ हैं तालाब हैं उनको पर्यावरण से जोड़ा जा सकता है उनको रोज़गार से जोड़ा जा सकता है उनको आ, उनको मत्स्य पालन से जोड़ा जा सकता है और ये कैसे बहुत ही एक्यूरेट वे में हो सकता है ये भी बताइए सर बिल्कुल जोड़ा जा सकता है जो हमारी दो हज़ार से 2020 तक ब्लू रेवोल्यूशन एक योजना थी नील क्रांति योजना उस समय यही काम हो रहा था जो गांव के तालाब थे वो रिवाइव हो रहे थे ये तो सरकार की योजनाएं हैं उसके अगर आप वो योजनाएं भी इसे भी दरकरार कर दें तो हर एक इंडिविजुअल हर गाँव का तालाब ले सकता है जो उस गाँव का बाशिंदा है वहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है और मछली वहाँ पर पहले ज़माने में वहीं पर मछलियाँ होती थी ये तो बाद में लोगों ने अपने प्राइवेट लैंड्स पे पोखर बना लिए न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई जिसे आजकल हम आर एस बायोफ्लॉक इन पोनवे सिस्टम केज कल्चर बोल रहे हैं सबसे पुरानी सबसे ओल्ड सबसे प्रूवन जो मैथडोलॉजी थी वो पॉन्ड फार्मिंग ही थी तो वो गांव के पोखर ही हुआ करते थे और हर पोखर में मछलियाँ पलती थी तो अभी भी वक्त है कि हमारे जो गाँव के नवयुवक हैं या जो गांव के हमारे प्रतिनिधिज़ हैं वो सब के सब जागरूक हों उन तालाबों को जो बंद हो गए हैं उन्हें रिवाइव करें जिससे कि गांव का वाटर टेबल भी बढ़ेगा वहाँ पे मछलियाँ भी होंगी और ये आप अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, में या नॉर्थ ईस्ट में जाएँ या उड़ीसा जाएँ कैलकाटा जाए वहाँ पर अभी भी है तो ये तो क्या कि जो बाकी के जहाँ पर ये सेकेंड प्रेफरेबल था तो वहाँ पर लोगों ने सब बंद कर दिए हैं वो और उसका आप जो आउटपुट है वो हम देख ही रहे हैं कि कैसे ड्रास्टी के लिए जो चार हेक्टेयर का, का भी नहीं बचा है एक चीज़ हम और देख रहे हैं जो हमें लगता है रजनीश जी कि जो गांव में तालाब है अगर उस तालाब के साथ आप मछली पालन जोड़ देते हैं और किसी फैमिली को जोड़ देते हैं उसके साथ या ग्राम पंचायत को जोड़ देते हैं और अगर रेवेन्यू जनरेट करने का साधन वो तालाब बन जाते हैं गांव के तीन तालाब से आ, आपको क्या लगता है मैं जो देखता हूँ जैसे मेरे गाँव में भी करीब चार तालाब हैं और मैं देखता हूँ वेस्ट यूपी के हर गाँव में तीन चार तीन चार तालाब हैं अगर उनको रिवाइव किया जाए तो वे चार तालाब साल भर में कितने पैसे का रेवेन्यू दे सकते हैं आपकी जो एक तरह से सोच है सर ये जो इकोनॉमिक्स है इनकम की वो डिपेंड करती है कि उस तालाब का साइज क्या है? है आपने उससे कितना प्रोडक्शन निकालना है हम एक औसत और आपके आइडिया से अगर हम एक एकड़ का हमारा तालाब है और तकरीबन हम उस उसपे चार लाख रुपए खर्च करते हैं एक साल में तो तकरीबन हम उससे पाँच टन प्रोडक्शन निकाल सकते हैं और आप मैं पूरे इंडिया का एवरेज प्राइस भी कंसीडर करूं तो आप दो लाख प्रति प्रतिवर्ष एक एकड़ से कमा सकते हैं अगर आप कार्प्स की भी फार्मिंग कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा उस जो तालाब था उसका कुछ रेवेन्यू शेयर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सरकार को भी गया क्योंकि वो सरकार की एसेट है वहाँ पे आपने दो तीन फैमिली को जोड़ दिया और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होगी जब आप सक्सेस रहेंगे तो जो ग्रोथ होती है वो सर एक्सपोनेंशियली बढ़ती है तो आप उस बंदे को देख के या मेरे को देख के आपको देख के वहाँ के पांच नव युवक भी उसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो इसी तरीके से जो हम चाह बोल रहे हैं किसानों की इनकम आए डबल करनी है क्योंकि वो केवल एक खेती को वो अपनी चरम सीमा पर हम उगा रहे हैं उससे उससे नहीं होगी हमें डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा हमें एग्रीकल्चर एलाइड में जाना पड़ेगा फिश फार्मिंग करनी पड़ेगी गोट फार्मिंग करें पोल्ट्री करें पर्ल करें तब हम कुछ अलग अलग खेती यहाँ करेंगे तभी इनकम डबल होगी किसानों की यहाँ पर एक ये बड़ी बात है जो आपने हमें शेयर की कि किस तरह से वो आमदनी बढ़ सकती है और पर्यावरण को भी हम उस तरह से संजीदा रख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि ये जो आपने यहाँ पर एक्वा फार्मिंग की है एक्वा कल्चर ये जो चल रहा है अब आप इसका एक बार हमें अर्थमेटिक थोड़ा सा समझा दें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा ये कितने एकड़ में है इसमें आपका कितना खर्च आता है और इससे आप कितना प्रोडक्शन ले लेते हैं और इससे आप कितना आमदनी भी ले लेते हैं सर देखिए मैं ये पचास एकड़ की लैंड है तकरीबन पैंतालीस एकड़ ये वाटर बॉडी होगी पर एकड़ एक एवरेज रूल के हिसाब से आपके दो सवा दो लाख रुपए डेवलपमेंट कॉस्ट में निकल जाते हैं जो वन टाइम लगते हैं ये पूरा बिजनेस आपका ऑपरेशनल कॉस्ट सेंट्रिक है मतलब जो वर्किंग कॉस्ट है इसमें वो ज़्यादा होती है एक्वा कल्चर में तो एक एकड़ में तकरीबन चार लाख रुपये आपके सालाना लगेंगे लगेंगे और फोर्टी आपकी आरवाई रहेगी वर्किंग कैपिटल की आफ्टर ऑल एक्सपेंसिस या मैं नटशाल में बता दूं एक किलो मछली का वजन तैयार करने में जो जिस प्रजाति की मछली मैं यहाँ पे पालता हूँ तकरीबन नब्बे बानवे रुपये मेरा एक किलो वजन तैयार करने में कॉस्टिंग आ जाती है और एक सौ की एवरेज मेरी फार्म गेट प्राइस चालीस रुपये बच जाते हैं चालीस रुपये पर मछली मेरे को बच जाते हैं और मेरा टारगेट है क्योंकि मैंने ये 2020 में लिया 21 में इसको रेडी किया तो पहली किलो पे यहाँ से हार्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट है कि मैं यहाँ से बड़े ईजिली एक से 200 टन एक साल में प्रोडक्शन निकालूँ एक दिन में ये जो यहाँ पर मछलियाँ हैं इस पूरे के पूरे पौंड में कितने पैसे का फीड खा जाती होंगी सर यहाँ पे तकरीबन पर डे अभी दो हज़ार किलो दो टन दाना कंज्यूम हो रहा है दो समय में एक बार मैं उसको नौ से दस बजे के बीच में खिलाता हूँ दूसरा दो से तीन साढ़े तीन बजे के बीच में खिला देते हैं हम उसे वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हुए तकरीबन अस्सी हज़ार का पर डे मेरा अभी कंज्यूम कर जा कर रही है मछलियाँ वो इसलिए कर रही है क्योंकि मछलियों का साइज़ बड़ा है जैसे मछली जो वेट गेन करती है वो बायोमास के अकॉर्डिंग करती है और तकरीबन एक किलो वजन एक किलो मछली तकरीबन पंद्रह सौ से सोलह सौ ग्राम दाना अपनी लाइफ साइकिल में कंज्यूम कर लेती है मतलब अस्सी हजार रुपये का दाना अस्सी हजार रुपये का भोजन ये मछलियाँ रोजाना सुबह को इनको भोग लगता है और आ, उन्होंने बताया कि एक मछली जब एक किलो की हो जाती है तो नब्बे रुपए तक उस पर खर्चा आता है और एक सौ तीस एक सौ पैंतीस रुपये तक वो बिक जाती है करीब चालीस पैंतालीस रुपए का मुनाफा उस पर शुद्ध रूप से ये आता है लेकिन अस्सी हजार रुपया रोजाना खिलाना ये बड़ा मुश्किल काम है क्या आप इससे रोजाना प्रोडक्शन भी निकालते हैं उसी से ये खाना खिलाना पड़ता है सर ये अगर आपकी बड़ी वाटर बॉडी है तो ये आप ना तकरीबन तीसरे साल आप वहां पर रोटेशन बना सकते हैं शुरू के एक साल तो आपका डेवलपमेंट में निकल जाता है सेकेंड ईयर आपकी मछली ग्रो होती है तो थर्ड ईयर से आप उसको साइकिल रोटेट कर सकते हैं ये लेकिन शुरू के दो ईयर में नहीं है नहीं कर सकते आप तो ये आपको अपनी पॉकेट से ही प्रोजेक्ट प्लान करना पड़ेगा या बैंक से लोन लें आप तब प्लान करेंगे क्योंकि मछली छोटे साइज की वो वो वाला प्राइस नहीं दे पाएगी जिसमें आपको सबसे मैक्सिमम प्रॉफ़िट हो तो वो आपको इनिशियली अपनी पॉकेट से ही कंज्यूम करना पड़ेगा क्या मछली का जो आप आप कौन सी ब्रीड पालते हैं एक तो ये भी बताएं मछली का वो स्टैंडर्ड साइज कौन सा है जो आपकी कॉस्ट को के को क्रॉस करता है सर मैं तो इस वाले फार्म पे केवल कार्प्स पालता हूँ आपके कतला रहू मृगल सिल्वर कार्प ग्रास कार्प कॉमन कार्प और आमूर कार्प मेरा एक दूसरा फार्म है वहाँ पर मैं फंगेसिस से कैटफिश कैटेगरी वो पालता हूँ और एक मरल जिसको सोल बोलते हैं हिंदी में उसका मैं पालन करता हूँ मछली तकरीबन साढे 350 से 400 ग्राम पे अपनी कॉस्ट का इवन ब्रेक कर देती है और सबसे बेस्ट मार्केटेबल साइज आपका 800 से 900 ग्राम है जो मोस्ट प्रॉफिटेबल साइज है क्या बात तो यहाँ पर हमने मछली का जो पूरा अरिथमेटिक है उसे समझने की कोशिश की है इस पूरे के पूरे एक्वा फार्म के साथ कुछ और एंटरटेनमेंट की चीजें कुछ और अलाइड चीजें उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है ये सामने हम आपको लेकर के चलते हैं अभी आइलैंड पर और वहां पर भी देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से रजनीश ने उसे डिजाइन किया है और उसकी इकोनॉमी को इस इकोनॉमी के साथ में किस तरह से वो जोड़ने जा रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं ये यूपी सरकार की 50 एकड़ से ज्यादा लैंड है और जब रजनीश ने इसे लीज पर लिया 11 लाख रुपया सालाना के हिसाब से तो इसे उन्हें एक झील में कन्वर्ट करना था झील की खुदाई करते इस खेत की खुदाई करते करते जो ये आप जहां हम खड़े हैं ये एक आइलैंड बन गया सारी मिट्टी इधर बीच में सेंटर में चढ़ा दी गई मछलियां ताकि एक रोल में जो है पूरे के पूरे सर्कल में घूम पाती हैं और यहाँ पर आ, किस तरह से ये पूरा का पूरा जो आइलैंड है इसको वो किस तरह से उसका आइडिया उसका इनोवेशन उसका इम्प्लीमेंटेशन वो किस तरह से करने जा रहे हैं इसका क्या यूज हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ हट बनी है सामने कुछ हट बनी है ऐसा लग रहा है कि कुछ दिमाग में और भी चल रहा है रजनीश के जी रजनीश जी बताइए सर ये एकड़ एक इसका साइज है आइलैंड का हाँ। तो यहाँ पे एक मैं रेस्टोरेंट बना रहा हूँ जो हमारे बैक में खट दिख रही है वो थाउजेंड स्क्वायर फीट की है और चालीस बंदों की सीटिंग उसमें प्लान है हमारी उसके बराबर में किचन बना रहे हैं ये पूरा आइलैंड हमारा सोलर ऑपरेटर रहेगा यहाँ पे हम बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन गेट टुगेदर और एक किड जोन बना रहे हैं हम यहाँ पे 800 स्क्वायर फीट का कि जो किड्स हैं वो भी यहाँ पे एंजॉय करें और हम इसकी पूरी बाउंड्री बैंबू से कर रहे हैं और चारों तरफ हम यहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं अगर जब हम इसका टॉप व्यू लेंगे तो पूरा यूनिक कॉन्सेप्ट लगेगा कि जैसे चारों तरफ आपके पानी है और जैसा पिक्चरों में देखते हैं एक आइलैंड है और उसी पे सब चीज अवेलेबल है और चार तरफ आपके पानी है और यहाँ पे जो भी बंदा आएगा वो बवाया बोट ही आएगा कोई उसका रास्ता नहीं होगा क्या बात मतलब यहाँ पर आने के लिए आपको बोट का यूज करना होगा यहाँ पर आने के लिए क्या एक टिकट वगैरह या कुछ ऐसा सेट करने का भी आपका वो है इसको एक कमर्शियल एंगल से इसको डेवलप करने का विचार है एग्जेक्टली exactly, हम यहाँ पे एक अभी उस पर वर्कआउट कर रहे हैं यहाँ पे मैं एक नॉमिनल चार्ज रखेंगे जिसमें हम उसको बोटिंग फिश एंगलिंग और फूडिंग और बच्चों के लिए किड जोन टिकट और जो एक हट बनाई है उसमें हम अपना यहाँ पे एक्वेरियम रूम बना रहे हैं हम अपने दोस्तों को इनवाइट अगर करें तो कितने दिन का टाइम उन्हें अभी से दे दें कि भाई ये एक महीने बाद दो महीने बाद या छः महीने बाद ये आप आप चलें एक महीने बाद का टाइम दे सकते हैं अगले महीने हम इसको ऑपरेशन कर देंगे सर क्या बात है आनंद विहार बस अड्डे से अगर आप चलना शुरू करते हैं तो ये मसूरी है और ये एन एस पर जब आप चलेंगे तो मात्र 20 मिनट के अंदर आप इस एक्वा फार्म पर आ जाएंगे और आप इस आइलैंड पर होंगे आप सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक अपने दोस्तों के साथ या यहाँ पर शांति से आप आराम से रह सकते हैं अपना समय बिताएंगे और यहाँ आप अपनी आउटिंग कर पाएंगे सिर्फ एक महीने का टाइम जो है वो रजनीश ने दिया है किचन तैयार है डाइनिंग रूम तैयार है आपके लिए आपके दोस्तों के लिए रहने के लिए बच्चों के खेलने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर रेडी हैं और इसकी जो बाउंड्री है इस बाउंड्री के चारों तरफ भी उन्होंने कहा कि वो आ, वो कुछ दो तीन घोड़े भी इसके चारों तरफ रखेंगे जिस पर आप आ, एक तरह से राउंड ले सकते हैं घूम सकते हैं और पूरा का पूरा दिन जो है उसका आप एक अपने मन को सुकून देने के लिए यहाँ पर आप बिता सकते हैं पूरा दिन बिता सकते हैं रजनीश कुमार चौधरी का जो सपना है वो आकार लेने लगा है साकार होने लगा है उन्होंने एक वाटर पार्क केवल मछली पालन नहीं बल्कि एक वाटर पार्क का सपना देखा था और वो वाटर पार्क तैयार है मेरे पीछे आपको बोट घूमती हुई दिख रही है लेकिन उनका हर कदम जो है वो साइंटिफिक है और अपनी मछलियों के लिए वो कैसे लाभदायक हो सकता है इसके बारे में भी वो सोचते हैं क्या ये जो बोट घूम रही हैं जब लोग बोट चलाते हैं रजनीश तो क्या यह भी मछलियों को कुछ एंटरटेनमेंट देते हैं तो आप है ना एटमोस्फेरिक एयर इंड्यूस कर रहे हैं उसमें जिसमें आपकी ऑक्सीजन है तो आपकी वाटर बॉडी ऑक्सीजन रिच रहेगी ये मेन बेनिफिट रहता है एक बात और है जो हम इस, इस सारे के सारे कार्यक्रम के आखिर में आपसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो फिशरमैन हैं या जो मछली पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको कुछ एजुकेट करने के मामले में कुछ ऐसे प्रयास भी चल रहे हैं आपके हाँ सर मेरा जब मैंने स्टार्ट किया फ़िश फार्मिंग तो बहुत सारे फेलियर्स भी हुए तो मैंने देखा कि एक एजुकेशन ऐसा है कि जो अन एरिया है कैपेसिटी बिल्डिंग इसे बोलेंगे तो मैंने लास्ट के दो साल में तकरीबन 400 सौ वीडियोज बनाई हुई है मेरा यूट्यूब चैनल है पी वी आर एक्वा करके जो कि एक न्यू बिगिनर एक एंटरप्रेनर देखे तो मैं इंश्योर कर सकता हूँ उसे कोई लॉस नहीं होगा कि वो वीडियो देख ले ओके फिजिकल ट्रेनिंग भी देते हैं क्या कुछ लोगों को हाँ मैं हर वीकेंड पे फिजिकल ट्रेनिंग देता हूँ लास्ट के दो साल में तकरीबन मैंने चार बंदों को ट्रेंड किया होगा और आई फील वेरी प्राउड कि उनमें से तीन बंदे फिश फार्मिंग कर रहे हैं और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मैं एक अच्छा और सक्सेसफुल फिश फार्मर हूँ कुछ फीस भी चार्ज करते हैं हाँ मैं दो दिन की फीस चार्ज करता हूँ क्योंकि मेरा मानना है मैं प्रोफेशनल हूँ तो देर इज नो फ्री लंच तो हूँ दो दिन का चार सौ लोग और दस हजार गुना चार सौ ठीक है लेकिन ये भी, ये भी, ये भी अच्छा खासा, है कि अगर कोई पैसा देकर सीखता है तो फिर वो उसको एग्जीक्यूट भी करता है मेरा यही मानना है अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप सक्सेस कैसे रहे होगे तो मेरे भी अपने गुरु जी हैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी गोरख और आप भी गुरु, गुरु दक्षिणा लेते हैं बिल्कुल गुरु दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी विदाउट गुरु दक्षिणा कैसे काम होगा मैंने पैरेलली दो ऐप भी डेवलप किए हुए हैं फिश गुरु और फिश दवाई के नाम से वो किसानों के लिए कि आप मेरे फिश ग्रू पे जाइए और आप अपनी कोई भी क्वेरी है वहाँ पे पता कॉल कीजिए तो आपको एकदम सपोर्ट मिलेगा और दूसरा फिश दवाई वो एक एग्रीगेटर बनाया है कि किसानों को दवाई मिलने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है बेसिक्स मेडिसन्स और उससे मेरी कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं केवल एग्रीगेटर है ये आपके दो फार्म हैं पचास पचास एकड़ के सपना कितना बड़ा है तीन सौ पैंसठ एकड़ नेक्स्ट थ्री इयर्स अभी का जो उत्पादन है वो कितना है और कितनी कॉस्ट का वो उत्पादन तकरीबन 400 टन मेरा इस साल प्रोडक्शन हो जाएगा तकरीबन 4 सीआर मेरी टेंटेटिव कॉस्ट है और, और 365 को अगर हम कहें तो मेरा 365 एकड़ मेरा टोटल लैंड साइज है तो उसमें मेरी जो मेरा प्रोडक्शन अजम्पशन है तो मैं तकरीबन हजार से 1200 टन मैं अपना प्रोडक्शन मतलब 10 करो टेंटेटिव कह सकते हैं और 10 करोड़ का मतलब 4 करोड़ मुनाफा पर ईयर हाँ सर देखो काम करेंगे तो मुनाफा तो हो गई और होना भी चाहिए बिल्कुल होना चाहिए मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं बिल्कुल मतलब यहाँ पर कुछ बातें आपको देखकर रजनीश को सुनकर ये अपने आप समझ में आ जाती होंगी वो दो साल में उन्होंने 40 लड़कों को अगर ट्रेनिंग दी तो 300 लड़के फिश फार्मिंग कर रहे हैं हर लड़के से दस हजार रुपया लिया गया तो 40 लाख रुपया उन्होंने सिर्फ इस मद से लिया वो 400 टन प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक करोड़ रुपया उसमें शुद्ध रूप से कमा रहे हैं उनका सपना एक हज़ार टन उत्पादन करने का है जिसमें से चार करोड़ रुपया वो हर साल कमाने का उनका टारगेट है यानी सपना बहुत बड़ा है और किसानों के लिए वो एक माइल भी है वो एक तरह की प्रेरणा भी है किसी शायर ने कहा है इम्तिहान अभी बाकी है अभी तो नापी है सौ एकड़ जमीन तीन सौ पैंसठ एकड़ जमीन अभी बाकी है ये सारा आसमान अभी बाकी है ये स्मार्ट खेती थी जो हमने इनोवेशन दिखाया एक तरह से रजनीश का अगर आपने भी किसी इनोवेटिव आइडिया के साथ अपने यहाँ कोई काम शुरू किया है तो आप हमें ज़रूर बताइए मैं आऊँगा आपके खेत तक और दुनिया को दिखाऊँगा आपकी स्मार्ट खेती